तो दिल्ली में कुस्ती बाजू ना धरना यथावत छे। जंतर मंतर पर धरना स्थल पर होबाड़ो करवामां आव्यो छे। पहलवानो द्वारा धरना कराई रह्या छे, जे हवे खेडूत संगठनो तेओने समर्थन आपी रह्या छे। मोटी संख्या में खेडूत नेताओ त्यां पहोंची चुक्या छे। सतत 16मे दिवसे पण पहलवानोना जे धरना छे ते यथावत जोवा मळी रह्या छे, केम के ब्रिजकुमार भूषण जे छे तेने लईने विवाद सर्जायेलो छे, परंतु तेने कोई निवड़ो न आवता पहलवानो जे रीते जंतर मंतर पर धरना करी रह्या छे। आपणी साथे देवनाथ जोडायेला छे। देवनाथ, जिस तरह से बोल सकते हैं कि पहलवान अभी धरना करे, अभी खेडूत भी वहां पर पहुंच रहे, कैसा माहौल है वहां पे, पुलिस का कितना बंदोबस्त और क्या लग रहा है कि आगे क्या हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जंतर मंतर पर आज 16वां दिन है पहलवानों का, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश के कैसरगंज मैदान, माफ कीजिएगा, लोकसभा से सांसद हैं, उनके खिलाफ यहां पर पहलवान पिछले 23 मई से यहां पर बैठे हुए हैं। और कल देखने को मिला था इस पूरे मामले में किसानों का एक हुजूम का, पंचायतें यहां पर इकट्ठा हुई थी, लेकिन आज पंजाब से कुछ किसान पहुंचे थे और वहां पर जबरन घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिसके बाद बैरिकेटिंग तोड़ने की भी खबर सामने आई, जिसे दिल्ली पुलिस ने फिलहाल काबू कर लिया है। लेकिन पहलवान हमेशा से अपने मंच से यह कहते हुए दिखाई देते हैं कि अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो हम उसके समर्थन में नहीं है। पहलवानों की यही मांग है कि जब तक ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती, उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तब तक वो इस तरह से बैठे रहेंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो आज तस्वीरें देखने को मिली, जब बैरिकेटिंग तोड़कर अंदर घुसने की कोशिश की जा रही थी, तो पहलवान इस बात को एक तरह से खारिज करते हैं कि हम इस तरह की हिंसा का या फिर इस तरह के कार्यक्रम का हम बिल्कुल खिलाफत करते हैं। तो साफ तौर से यह देखा जा रहा है कि 16 दिन बीत चुका है। 16 दिन के बाद एक और बातें निकलकर सामने आई हैं, जिस तरह से मैंने कल जिक्र किया कि कल राकेश टिकैत पहुंचे थे, भारतीय किसान यूनियन के बड़े नेता कहे जाते हैं। उन्होंने कल पहलवानों के इसी मंच से ऐलान किया है कि अगर 21 मई को सब कुछ ठीक नहीं होता, यानी कि ब्रजभूषण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाती है, तो भारी संख्या में देश भर से किसान यहां पर ठीक वैसे ही पहुंचेंगे जैसे कि किसान आंदोलन के समय देखने को मिला था। तो हालांकि सुरक्षा की अगर बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था काफी पुख्ता है, और उसी सुरक्षा व्यवस्था का नतीजा था कि आज जो किसान पंजाब के पहुंचे थे उन्हें सही समय पर रोक लिया गया। नहीं तो आपको याद होगा, जब किसान आंदोलन के समय देखने को मिला था कि दिल्ली भर में इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई थी, तो फिलहाल उसे रोकने के लिए सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद कर दी गई है। लेकिन किसानों का हुजूम अभी भी लगातार आ रहा है दिल्ली में और पहलवानों का समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी जी देवनाथ, शुक्रिया। तो जेवी रीते कही शकाय के जे आजे सतत 16मो दिवस छे धरनानो, अने खेडूतो पहोंच्या हता, साथे ज खेडूत नेता राकेश टिकैत द्वारा एवुं पण कहेवायुं छे 21 तारीख सुधी जो निवेडो न आव्यो तो 22મીના રોજ આંદોલન વધુ ઉગ્ર થશે।